सुलझना थे यार, या ना यार, आइए। इतनी रात गए और वो भी ऐसे बारिश में, ऐसा कौन सा जरूरी काम आंका? बस बस कीजिए नाटक, इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जी क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या बिगाड़ा था मेरी अर्जुन ने आपका? ऐसा करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? सुलोचना ताई, आप अपने आप को माँ कहलाती है और एक दूसरी माँ के सपनों को आग लगाती है। एक बार भी सोच लिया होता कि जो आपने मेरी बेटी के साथ किया वो अगर कोई आपकी बेटी के साथ करता तो? ये आपकी बेटी 10 साल पहले बहू बनकर मेरे घर में आई थी, पूछिए इसे। आज तक कभी ऊंची आवाज में मैंने बात तक नहीं की इससे, बल्कि मैंने सोचा कि आज से ये मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी कि मैं इसकी मां बन गई लेकिन ये मेरी कभी बेटी नहीं बन पाई। हाय नहीं, जिस नाम से पुकारती हो ना उस रिश्ते की कदर करना सीख लो तुम। और इसके साथ अच्छा बर्ताव करके मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मैं ये मानती हूं कि अगर हमने किसी की बेटी के साथ गलत बर्ताव किया तो हमारी बेटी के साथ भी कभी ना कभी ऐसा ही होता है। दुनिया का ये नियम आप कैसे भूल गई? और आपके बेटे का रिश्ता टूटा क्योंकि आपके बेटे ने गलत किया। लेकिन मेरी अर्चना ने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर आपने क्यों ऐसा किया? अरे पूरी बिरादरी के सामने आपने उसका अपमान किया, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज आप उसकी शादी तोड़ने पर उतर आई। आज आपकी इस करनी ने मेरे संस्कार, मेरी अच्छाई तक को हरा दिया। आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है हमारे पास भेजने की, समझिए आप? अरे उसे तो मैं अपने, इंस्पेक्टर साहब ये है वो अजीत जिसने मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश की है, इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर अजीत, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? मिस्टर विनोद ने हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आप उनकी बहन की बेवजह बदनामी कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ये झूठ है। देखिए झूठ और सच का फैसला हो जाएगा, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। आई लॉयर गुप्ता ना फोन कर, आई वॉन्ट माई लॉयर। आई मिस्टर राजीत प्लीज। हवलदार इंस्पेक्टर साहब, अजीत ने कुछ नहीं किया है। आई चलो यहां से, बाबा चलिए।